गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है सोनरेखा प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर के महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग चर्चा करेंगे। आज के इस श्रृंखला का हमारा पहला प्रश्न है, ओम का नियम किस विद्युत धारा पर लागू होता है। ओम का नियम किस विद्युत धारा पर लागू होता है, क्या ये एसी पर लागू होता है या फिर डीसी पे या फिर इन दोनों में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा एसी व डीसी दोनों पर। ओम का नियम एक ऐसा नियम है जो एसी पर भी और डीसी पर भी लागू होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह है, आपको बताना है विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए रो। विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह को रो कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। तीसरा क्वेश्चन, इनमें से सबसे अच्छा चालक है, चार ऑप्शन में से आपको सबसे अच्छा चालक क्या है ये बताना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इन चारों में से सबसे अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, घरों भवनों कार्यशाला आदि में वायरिंग की जाती है। हमारे घरों में या फिर कार्यशाला में किस प्रकार के वायरिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब इस प्रश्न का समांतर में। जो वायरिंग सिस्टम हम लोग घरों में या फिर भवनों में या फिर कार्यशाला, इन सभी जगहों में हम लोग समांतर वायरिंग सिस्टम का ही प्रयोग करते हैं। समांतर कहने का मतलब है प्रत्येक लोड को फेज और न्यूट्रल अलग से देना ही समांतर वायरिंग कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शक्ति ज्ञात करने का सूत्र है, आपको बताना है इनमें से किस फॉर्मूला का प्रयोग करके पावर को ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है पी इज इक्वल टू वी आई। पावर को ज्ञात करने के लिए वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ऑप्शन बी पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर, वोल्टेज का स्क्वायर बटा आर। ऑप्शन सी पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। शक्ति ज्ञात करने के लिए इन तीन फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर वाउंड प्रतिरोध बनाने के लिए उपयुक्त धातु है। अगर वायर वाउंड प्रतिरोध बनाना है तो इनमें से किस धातु का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर है यूरेका। यूरेका का प्रयोग करके वायर वाउंड प्रतिरोध बनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंसुलेटर में होता है। अगर इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखा जाए तो ऑप्शन सी एक फाइबर है जो कि इंसुलेटर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट चालकता की एसआई इकाई क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी साइमन पर मीटर, विशिष्ट चालकता का एसआई इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध 7.5 ओम है तो इसकी चालकता क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी 0.133 साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली की तारों में लगी आग किस श्रेणी के आग है, ए बी सी डी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी डी। बिजली के तारों में लगी आग को श्रेणी डी के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभांतर का मात्रक क्या है। सही उत्तर वोल्ट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, विभांतर का मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन पर कितनी चार्ज पाया जाता है। न्यूट्रॉन पर चार्ज का क्या क्वांटिटी होता है ये प्रश्न में कहा है। सही उत्तर प्लस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम न्यूटॉन पर चार्ज होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटर का हीटिंग एलिमेंट किस धातु से बनाया जाता है। हीटर का वो भाग
जो हीट होता है उसको बनाने के लिए किस प्रकार के धातु का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाइक्रोम। नाइक्रोम ही वो धातु है जिसका प्रयोग करके हीटिंग एलिमेंट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर मीटर किस क्रम में संयोजित किया जाता है? एम्पियर मीटर को किसी सर्किट में किस प्रकार से जोड़ा जाता है? सही उत्तर, श्रेणी में। एम्पियर मीटर को किसी भी सर्किट का करंट मेजर करने के लिए हमेशा श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत घंटी का बजना विद्युत का कौन सा प्रभाव है? सही उत्तर, चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव वह प्रभाव है जिसके वजह से विद्युत घंटी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसीबी का पूरा नाम है? सही उत्तर ऑप्शन ए, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीला नीला हरा का प्रतिरोध मान क्या होता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। पीला का कलर कोड होता है 4, नीला का कलर कोड होता है 6 और हरा का कलर कोड होता है 10^+5। उस हिसाब से ऑप्शन कहीं भी नहीं है। एक्चुअल में इसका कलर कोडिंग होता है 4600 kΩ, जो ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कितना भारी है? इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में प्रोटॉन कितना भारी है? सही उत्तर ऑप्शन ए, 1845 गुना कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का गलनांक बिंदु कितना है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 960 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तार की लंबाई दुगनी वो कटाक्ष क्षेत्रीय दुगना करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? सही उत्तर, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्रक का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का परास होता है? अभ्रक का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का रेंज क्या होता है, ये प्रश्न में कहा है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 20 से 60 kV/mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास बी के अचालक का अधिकतम सुरक्षित तापमान है, जो क्लास बी के अंतर्गत इंसुलेटर आते हैं, उसे कितना डिग्री मैक्सिमम प्रयोग कर सकते हैं? सही उत्तर है 130 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विच सॉकेट आदि किस पदार्थ से निर्मित होता है? सही उत्तर ऑप्शन सी, बेकेलाइट। बेकेलाइट वो इंसुलेटर है जिसका प्रयोग करके स्विच सॉकेट आदि का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत युक्ति को 3 या अधिक स्थानों से नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त स्विच है? किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को 3 या 3 से अधिक जगहों से कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार के युक्ति का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन सी, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग किसी भी डिवाइस को 3 या 3 से अधिक जगह से कंट्रोल करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किटकैट फ्यूज का एम्पियर परास कितना है? किटकैट फ्यूज का एम्पियर में रेंज क्या है, ये आपको बताना है। सही उत्तर है 5 से 3000 एम्पियर तक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है।